आईपीसी का पहला सीरीज है, ये पहला पार्ट है। आईपीसी 1860 में रिलीज हुआ था और इसके बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट है सेक्शन वही देखेंगे और जहाँ एक्सप्लेन करना होगा मैं कोशिश करूँगा करने का। ठीक है, आईपीसी 1860 में आया था, इंडियन पेनल कोड, इसको उर्दू में इसी को बोलते हैं ताज़े राते हिंद। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार हुई इसमें इसको मेंशन किया गया था। उस टाइम में लॉ कमीशन जो थे वो लॉर्ड मैकुले थे। ठीक है, ये तीन जन मिल के बनाया था, मेन हेड कर रहे थे यही एल्डरसन, मैकलॉर्ड एंड मिलेट। 1835 से 1860 तक इस पर काम चला। इफेक्ट हुआ ये जब आया कब से, तो 1 जनवरी 1862 में। ठीक है, वायसराय कौन थे आने के समय जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो वायसराय कौन था, वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सीआरपीसी कब आया था, वो 1861 में आया था। ठीक है, ये 1860 में था इफेक्ट, मतलब जो लागू कब से हुआ था, तो 1 जनवरी 1862। ऑफेंस का डेफिनेशन एंड पनिशमेंट इसमें दिया हुआ है। अब देखो ये चार तरीका से है ह्यूमन बींग के ऊपर, मेंस रिया, एक्स रिया, इंजुरी। आईपीसी में ये चार चीज़ें इंक्लूड है। मेंस रिया की क्या बोलते हैं, मेंस रिया मतलब सबसे पहले ये जो देखा गया है इसमें सिराज वर्सेस डी रुलुजास। ठीक है, ये हमारा केस हुआ। अब चैप्टर वन सेक्शन वन टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में बोलता है, डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये है क्या क्या चीज़ में, कहाँ तक लगेगा इसको आईपीसी, उसके बारे में। ये होल अभी क्या है कि टाइटल मैंने आईपीसी हो गया, एक्सटेंट होल इंडिया। ठीक है, कब सेक्शन टू जो बोलता है वो ऑफेंस को के बारे में बोलता है एंड पनिशमेंट के बारे में बोलता है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सेक्शन थ्री एंड फोर, तो इसका नॉर्मली टाइटल वन ये पूछता है एग्ज़ाम के पर्पज से है, पढ़ लो। चैप्टर वन जो है सेक्शन वन जो इंक्लूड करता है वो टाइटल और एक्सटेंट के बारे में है। टाइटल मतलब क्या चीज़ है ये, तो ये आईपीसी है। कहाँ तक लगेगा, तो होल इंडिया में लगेगा। सेक्शन टू ऑफेंस के बारे में ये कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख लो ऑफेंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। एक मिनट और साथ साथ में अगर दिखा देते हैं तो हो ही जाएगा। तो चैप्टर वन देखो, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, मतलब कहाँ कहाँ लगेगा। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड आईपीसी, ठीक है, एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पनिशमेंट, सेकेंड सेक्शन बोलता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। पनिशमेंट, उसी चीज़ को मैंने शॉर्ट करके लिखा है, इस चीज़ को तुम समझ जाओ। तो ऑफेंस के बारे में सेक्शन टू का दिखा रहा है कि भाई कहाँ लगने से होगा, मतलब क्या होता है, वो चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया। सेक्शन थ्री एंड फोर कंटेन करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, मतलब कि बाहर इंडिया के बाहर में जो जैसे सिटीजन रह रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा क्या, और शिप और एयरक्राफ्ट पर क्या लगेगा, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर में सेक्शन थ्री एंड फोर काम करता है। सेक्शन फाइव सर्टेन लॉज जिसमें है, देखो सेक्शन फाइव क्या है, सेक्शन सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाई दिस एक्ट, मतलब कुछ ऐसे लॉ हैं जो कि आईपीसी से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल ऑल और लोकल लॉ। आईपीसी 1860, ठीक है, उसके बारे में बोलता है। तो सर्टेन लॉज बस याद रखना, तो कुछ याद करने का बस ये फंडा है। सेक्शन वन टाइटल एंड एक्सटेंट बोलता है, सेक्शन टू ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, पनिशमेंट के बारे में बात करता है, बस डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन थ्री एंड फोर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, मतलब कि इंडिया के अलावा। ठीक है, सेक्शन फाइव सर्टेन लॉज। अब चैप्टर टू क्या करता है, चैप्टर टू में ये डिफाइन किया है क्या चीज़ का। अब यहाँ पाँच है सेक्शन, जो एट है वो जेंडर के बारे में बोलता है, मतलब ही शी अगर लिखा हुआ है तो समझो कि वो बोथ को ही डिनोट कर रहा है।
सेक्शन 9 नंबर, नंबर में प्लूरल और सिंगुलर अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे उस हिसाब से लाया, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, सेक्शन 6 बोलता है, 6 को हटा दो, 8 से चालू करो, ये सेक्शन 8 से है, जेंडर है, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, ठीक है। अगर ही लिखा दिया गया तो ही डिनोट करता है दोनों को, किसको भाई, मेल को भी एंड फीमेल को भी, ठीक है। इसमें इसका अंडरस्टूड होता है। नंबर का मतलब क्या है, अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर। अगर कोई मान लो कि लिख देते हैं कि कोई सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो वो उससे मतलब है कि ऑलरेडी वो प्लूरल उसमें छुपा हुआ है, एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग टू द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, ठीक। वो वाइस वर्सा अगर लिख दिए तो अंडरस्टैंड होगा ऑलरेडी कि हाँ उसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं। उसी तरह देखो सेक्शन 10 क्या बोलता है, मैन एंड वुमेन, ठीक है, एनी एज, ये इसको डिस्क्राइब किया है एम्पायर वर्सेस टट्या महादेव ने, ठीक है, ये केस है। तो नॉर्मल सा पढ़ना, सेक्शन 8 जेंडर के बारे में बोलता है, सेक्शन 9 नंबर के बारे में बोलता है याद करने के लिए, सेक्शन 10 मेन एंड वुमेन के बारे में बोलता है, सेक्शन 11 पर्सन के बारे में बोलता है, ठीक है। अब पर्सन कैसा होगा भाई, कंपनी भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। पर्सन के बारे में सेक्शन 11 डायरेक्ट पूछेगा, व्हाट इज सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 इज रिलेटेड विद पर्सन, पर्सन मे इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है। सेक्शन 12 पब्लिक विच इंक्लूड्स क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ठीक है, पब्लिक कंसिस्ट्स ऑफ क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ठीक है। सेक्शन 13 गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बोलता है, ठीक है, बस याद करने के लिए, इसका अगर डिस्क्रिप्शन अगर बोलोगे कि डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए तो कर देंगे। सेक्शन 17 गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट। अब सेक्शन 13 जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं, सेक्शन 13 क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, बट सेक्शन 17 क्या बोलता है, गवर्नमेंट विच इंक्लूड सेंट्रल और स्टेट, ठीक है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब जो काम कर रहा है गवर्नमेंट का मशीनरी, बट यहाँ पे इटसेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है, गवर्नमेंट, और ये क्या है, कंसिस्ट करता है सेंट्रल और स्टेट का, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट। सेक्शन 18 इंडिया के बारे में बोल रहा है, इंडिया को डिस्क्राइब किया है। सेक्शन 19 जज को डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में डिफाइन किया है। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट के बारे में डिफाइन किया है। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिफाइन किया है। सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में डिफाइन किया। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली के बारे में। सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली और डिफ्रॉड, इसको एक बार बस पढ़ जाओ ये याद हो जाएगा। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजिशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट, ठीक है, इसको डिफाइन किया गया, जो प्रॉपर्टी किसके अंदर में हो, किसके पास हो, वाइफ के पास, क्लर्क के पास और सर्वेंट के पास। काउंटरफीट मतलब कि डुप्लीकेट कैसे क्या कर रहे हो, सेक्शन 28 डिफाइन करता है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें को डिफाइन किया गया सेक्शन 29 में, ठीक है। सेक्शन 29 ए जो ऐड हुआ था वो थ्रू अमेंडमेंट इन 2000 में ऐड हुआ था, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेक्शन 29 में ऐड किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अमेंड करके। सेक्शन 30 क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेक्शन 31 अ विल के बारे में डिफाइन किया गया, अ विल, ठीक है, सेक्शन 31 अ विल। सेक्शन 32 जॉइंट लाइबिलिटी और कॉमन इंटरेक्शन इंटेंशन, ठीक है, जॉइंट लाइबिलिटी होता है क्या, जो मैंने दो आदमी क्या जिम्मेदार है उस चीज़ों को, मतलब मिल के दो से ज़्यादा, ठीक है, उसको जॉइंट लाइबिलिटी बोलते हैं, और क्या कॉमन इंटेंशन है वो चीज़ के लिए अंडर सेक्शन 32 इट डिफाइंस, ठीक है। पहला केस जो है महबूब शाह वर्सेस एम्पायर का है। सेकंड प्रेम कुमार घोष वर्सेस एम्पायर लॉर्ड समर, ठीक है, प्रेम कुमार घोष एक ही याद रखना, अगर महबूब शाह वर्सेस एम्पायर।
कॉमन इंटेंशन इज ऑल्सो हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ठीक है। मतलब क्या है कॉमन इंटेंशन भाई, जो को अगर देख भी रहा है तो, मतलब वेट कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी कॉमन इंटेंशन इज ऑल्सो हु ओनली स्टैंड एंड वेट, उसका भी होता है। सेक्शन 39 वॉलेंटरली उसको डिफाइन किया है। सेक्शन 40 ऑफेंस के बारे में डिफाइन किया। सेक्शन 41 इज एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग स्पेशल लॉ। सेक्शन 42 इज डिफाइनिंग रिगार्डिंग लोकल लॉ। सेक्शन 44 इंजुरी। सेक्शन 44 इंजुरी राइट पर्सन रिगार्डिंग माइंड बॉडी रिपुटेशन प्रॉपर्टी, इसके बारे में सेक्शन 44 प्लीज गो थ्रू दिस। सेक्शन 45 लाइफ। सेक्शन 46 डेथ, डेथ को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 45 में इट हैज़ डिफाइंड लाइफ, व्हाट इज लाइफ। सेक्शन 47 इट कंटेन्स एनिमल, ठीक है, डिफाइंस एनिमल। सेक्शन 48 वेसल, दैट इज शिप। सेक्शन 49 ईयर एंड मंथ, ब्रिटिश कैलेंडर एंड जर्जोरियन कैलेंडर। सेक्शन 50 सेक्शन। सेक्शन 51 ओथ एंड सेक्शन 52 गुड केयर, व्हाट इज गुड केयर डिफाइन अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 52 ए हार्बर, तो ये पढ़ लेना, इसमें से पक्का इन 1942 में ऐड हुआ था। 52 ए सेक्शन 52 ए एडेड थ्रू अमेंडमेंट इन 1942 एंड इट कंटेन्स हार्बर, ठीक है। चैप्टर 3 पनिशमेंट है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।